हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6E को समझेंगे। इसमें हम लोग 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखेंगे। 29 को 2 से डिवाइड करने के लिए आप 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए। 2 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। 2 के बगल में 9 है, अब आप 9 लिख लेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या उससे कम रहे। 2 का टेबल आप 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 9 में से 8 माइनस करने पे 1 आएगा। 0 आप लिख सकते हैं या नहीं लिखिए तो भी आपका सही होगा। तो नीचे जो नंबर बच जाएगा वो हम लोगों का रिमाइंडर हो जाएगा, जो ऊपर नंबर आएगा वो हम लोगों का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट में देखिए, 48 को आपको 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर देखिए 4 है फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर 5 है, 4 छोटा है इसलिए हम लोग दोनों डिजिट को ले लेंगे। 5 का टेबल पढ़िए कि 48 आ जाए या उससे कम रहे। 5 का टेबल आप 9 टाइम पढ़ेंगे, 45 आएगा। 8 में से आप 5 माइनस करेंगे 3, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। तो जो आपका माइनस करने पे नंबर बचेगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा 03। क्वेश्चन आपका ऊपर वाला नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, 84 को आपको 9 से डिवाइड करना है। यहाँ पर पहला डिजिट 8, 9 से छोटा है इसलिए हम लोग दोनों डिजिट को ले लेंगे। 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 84 आ जाए या उससे कम रहे। 9 का टेबल आप 9 टाइम पढ़ेंगे, 81 आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0। 03 हम लोगों का रिमाइंडर हो जाएगा, 9 हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। डिवाइड करने के लिए आपको टेबल याद रहना बहुत ज़रूरी है, आपको 20 तक टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 2 को देखिए, इसमें भी आपको डिवाइड करना है, इसमें 3 डिजिट नंबर आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हम लोग वैसे ही करेंगे। 3 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए या उससे कम रहे। 3 का टेबल आप 2 टाइम पढ़ेंगे, 6 जाएगा। 6 में से 6 माइनस करेंगे, आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, उसके बगल में 3 है, आप 3 लिख लेंगे। 3 का टेबल पढ़िए कि 3 आ जाए, 3 1 3, फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे आप 0 आ जाएगा, उसके बगल में 7 है, आप 7 लिख लेंगे। यहाँ पर आप एक एक लाइन बना लेंगे माइनस करने के बाद, उसके नीचे यहाँ पर 3 2 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, जो नीचे बचेगा 0 आप लिख सकते हैं या तो रहने भी दे सकते हैं तो भी आपका सही होगा। जो नीचे आएगा वो हम लोगों का रिमाइंडर होगा, जो ऊपर नंबर आएगा वो हम लोगों का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 884 को हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है। यहाँ पे पहला डिजिट 8 है और यहाँ 7, 8 बड़ा है इसलिए हम लोग 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या उससे कम रहे। 7 1 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, उसके बगल में 8 है, लिख लेंगे। 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, 14 आएगा। 8 में से 4 गया 4, 1 में से 1 गया 0, उसके बाद 8 के बगल में 4 है तो आप 4 यहाँ लिख लेंगे, 44 हो गया। 7 का टेबल पढ़िए कि 44 आ रहे या उससे कम रहे। 7 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 42 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 02 हम लोगों का रिमाइंडर हो गया, 126 हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, 958 को आपको 9 से डिवाइड करना है। यहाँ पे पहला डिजिट 9 है, यहाँ पे पहला डिजिट 9 है इसलिए हम लोग 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 9 1 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, बगल में 5 है, आप 5 लिख लेंगे। 9 का टेबल पढ़िए कि 5 आ जाए या उससे कम रहे। तो 9 के टेबल में 5 नहीं आता, 9 1 9 हो जाता है जो कि 5 से ज़्यादा होता है, इसलिए आप दूसरे डिजिट को लिखेंगे। लेकिन दूसरे डिजिट को लिखने से पहले, क्योंकि आपने 5 पहले ही ऊपर से लिख लिया है, अब आप 8 दूसरा डिजिट, अगर आपने पहला डिजिट पहले लिख लिया है तब पर भी वो नंबर दिए गए नंबर से छोटा है, तब आप दूसरे नंबर को लिखेंगे नीचे। लेकिन दूसरे नंबर को लिखने से पहले आप 10 ऊपर लिख लेंगे, इसलिए हम लोग 8 को लिखने से पहले 0 लिख लेंगे। तो अब ये 58 हो जाएगा। 9 का टेबल पढ़ेंगे कि 58 आ रहे या उससे कम रहे। 9 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 54 आएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आएगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0।
04 हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा, 106 हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज 6F को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।